नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 का सबसे खतरनाक गेंदबाज, आईपीएल 2022 का रफ्तार का बादशाह उमरान मलिक बल्लेबाजों के लिए खतरा नहीं बन रहा है, बल्कि अब अपने ही टीम के गेंदबाजों के लिए भी उमरान मलिक ने खतरा पैदा कर दिया है। उमरान मलिक अब टीम इंडिया के उन गेंदबाजों के लिए खतरा बन गए हैं जो गेंदबाजों पर सवाल थे। जी हाँ, मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा उन तीन गेंदबाजों के नाम जिन गेंदबाजों पर अब उमरान मलिक भारी पड़ सकते हैं, जिनकी जगह उमरान मलिक छीन सकते हैं, जिनकी जगह उमरान मलिक ले सकते हैं। देखिए, ये बात साफ है कि उमरान मलिक की गेंदबाजी से हर कोई प्रभावित है। बीसीसीआई प्रभावित है, चयनकर्ताएं प्रभावित है, तमाम पूर्व दिग्गज प्रभावित है, सभी उमरान मलिक की गेंदबाजी से प्रभावित है। और इस बात को कहा जा रहा है कि उमरान मलिक बहुत जल्दी टीम इंडिया में आने चाहिए, और अगर अब उमरान मलिक टीम इंडिया में आएंगे तो कौन से गेंदबाज बाहर जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो खड़ा हो रहा है ईशांत शर्मा। वैसे तो ईशांत शर्मा लगातार टीम इंडिया का सदस्य नहीं है, केवल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उम्मीद है कि उमरान मलिक को टेस्ट क्रिकेट में भी मौका दिया जा सकता है। और अगर उमरान मलिक को टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया गया तो जाहिर तौर पर आउट ऑफ फॉर्म चले ईशांत शर्मा का बाहर होना लाजमी है। दूसरे खिलाड़ी के तौर पर उमेश यादव, जी हाँ, उमेश यादव भी लगातार टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उमेश यादव की जगह टीम इंडिया को किसी खिलाड़ी को लेना होगा तो जाहिर तौर पर उसका नाम उमरान मलिक होगा, क्योंकि उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार से हर किसी को प्रभावित किया है और उमरान मलिक ने बेहतर गेंदबाजी की है। तीसरा खिलाड़ी, जी हाँ, तीसरा खिलाड़ी के नाम है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके की गेंदबाजी पिछले कुछ वक्त में की है, उसने चयनकर्ताओं को सेटिस्फाई नहीं किया है, चयनकर्ताओं को थोड़ा सा निराश किया है। और अब जिस तरीके से उमरान मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार तरीके से रफ्तार के साथ साथ विकेट चटका रहे हैं, लाइन लेंथ गजब की है, तो बीसीसीआई सोच सकती है, चयनकर्ता सोच सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार की जगह उमरान मलिक को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये तीन खिलाड़ी हैं जिनकी जगह उमरान मलिक ले सकते हैं, क्योंकि अब मैदान पर बल्लेबाजों के साथ साथ उमरान मलिक अपनी टीम के गेंदबाजों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। इन तीनों गेंदबाजों की जगह पर अब खतरा है और उमरान मलिक इन तीनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, किस गेंदबाज को उमरान मलिक रिप्लेस करेंगे और किसको करना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जब भी हम कोई इस तरीके की जानकारी, रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आए तो आपको हमारी जानकारी मिल जाए, इसीलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।